नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2023 और आज ही के दिन बीटीसी वर्सेस बीएड का जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है और इस केस की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धौलिया जी कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आज ये निर्णय आपको देखने को, फाइनल जजमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इन केस आज के दिन ये निर्णय देखने को नहीं मिला तो हो सकता है कल आपको ये इसका निर्णय मिल जाए, क्योंकि कल के दिन को भी रिजर्व रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी अब 99% चांस हो गया है कि इन दो दिनों में आपको फाइनल जजमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो तीन स्टेट हैं, जैसे कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन तीनों स्टेट के गवर्नमेंट को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इनका भी पक्ष जानने के लिए नोटिस भेजा गया है कि आपका पक्ष बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में क्या है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 2019 में 69,000 की वैकेंसी आई थी उसमें यूपी में बीएड को भी एलिजिबल किया गया था, ठीक है। और ये तीनों जो स्टेट हैं वो बड़े स्टेट हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बिहार में भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और उसी तरीके से आपका यूपी का वैकेंसी, यूपी में भी प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है। तो इन तीनों स्टेट से भी पक्ष जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो जैसे ही ये तीनों स्टेट यानी तीनों गवर्नमेंट अपना पक्ष दे देती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय दे देगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और जैसे ही इसका निर्णय आ जाएगा आपको देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इस किसके पक्ष में जाएगा। अब इतना आप लोग इंतजार किए तो एक दो दिन और इंतजार कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि निर्णय किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन निर्णय अच्छा ही होगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए आप में से जितने लोग भी आप KBS का फॉर्म भरे हैं, अपने KBS की तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी मामला आएगा, जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आप लोगों के हित में रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों से जो आप लोग के मानसिक तनाव जो झेल रहे थे आप लोग, उस मानसिक तनाव का हल आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा कारण हो गया तभी आपका ये मामला पोस्टपोन होकर किसी और डेट पे जाएगा, लेकिन आज और कल में आपको ये निर्णय देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।